आज आपका दिन कैसा रहा? दिन तो बढ़िया रहा आज। हम जायद नहीं है चाट मसाला ये मैं कर लापसी हम कोकोनट कोकोनट से हमें मोटी दुनिया में मोटू नाम शानु शर्मा गया जो भाई देखो आप वाह। हेलो गाइजीज एंड गर्ल्सीज, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये वीक का व्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा व्लॉग आप देखिए ताकि आपको पता चले कि ये व्लॉग कितना इंटरेस्टिंग है। तो आज है तारीख 2 अगस्त 2024 और दिन है फ्राइडे और बज चुके हैं, लेट मी सी, 5:15 शाम के 5:15 बज चुके हैं। तो अभी हम देखते हैं कि घर का माहौल क्या है। तो गाइस यहाँ पे कुछ किचन में प्रिपरेशन चल रही है एक साइड और ये दूसरी साइड भी, दोनों साइड, क्योंकि मैं अभी यूनिस आया तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आज इतनी जल्दी हमारे घर पे ऐसा कुकिंग भी हो रहा है। तो हम पूछेंगे हमारे दोनों शेफ से कि आज क्या राज क्या है कि आप इतना जल्दी कुक कर रहे हो। तो श्रद्धा जी कैसे हो आप? कैसा आज आपका दिन कैसा रहा? दिन तो बढ़िया रहा आज। हाँ, अभी शाम कैसी होने वाली आपकी? शाम तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अच्छा, तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप इतनी आप क्या यहाँ पे कुक कर रहे हो? अभी आज हम बना रहे हैं समोसा चाट। हाँ हाँ, तो और समोसा चाट के लिए मैं अभी बना रही हूँ रगड़ा। अच्छा, तो और ये अपना ढक के क्या रखा है इसमें? ढक के उसमें लापसी बनाई है आज माता इसमें। वाव, लापसी, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ मीठा है सर? कुछ तीखे के साथ कुछ मीठा हो जाए। अच्छा ऐसा है, अच्छा ठीक है। चलो तो अभी क्या करेंगे आप? सबसे पहले हम रगड़ा का वघार करेंगे। अच्छा, तो फिर जीरा का फटाकड़ा फोड़ोगे आज? अभी ये फ्री का फटाकड़ा है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। पैसा नहीं है। तो चलो तो अभी हम देखते हैं सुजल हमारा क्या कर रहा है। हाय सुजल, आपका सुजल बना रहा है समोसा। कैसा आज तेरा दिन कैसा रहा? आप समोसा तो देखो पहले, दिन के बाद में। ओ वाओ, तूने इतना अच्छा है। बिना ऑयल के है ना? बिना ऑयल, ऑयल डाला है, ये स्प्रे डाला है। अच्छा, मतलब तो फिर उसमें वो लेस ऑयल होगा ना? लेस ऑयल। अच्छा, तो तेरा ये आज का दिन कैसा रहा वो तू पहले बता। दिन में तो ऐसा है कि कुछ था नहीं कामकाज, तो ये समोसा लेने के लिए गया और सुबह जिम गया था और बस रील्स देखा और दूसरा कुछ नहीं किया। तो मैं अभी यूनिस आया ना, तो मेरे को ऐसे आ रही थी, थोड़ी स्मेल आ रही थी। तो आज तो आप ये इतना जल्दी क्यों कुक कर रहे हो, इसका कोई रीजन है क्या? वो रीजन तो बहुत बड़ा है पर बता नहीं सकते, सीक्रेट है, थोड़ा सीक्रेट है, थोड़े तो आपको रुकना पड़ेगा। कितना मतलब 2-3 घंटा या फिर? अभी 5:30 हुआ है ना, आपको 3 घंटा रुकना पड़ेगा। 3 घंटा रुकना पड़ेगा। ठीक है, जो अभी है ना ये समोसा देख के ना मेरा मोढ़ा में कोगड़ा आ रहा है। तो अभी हमने हमारे दोनों मेंबर से थोड़ा रिव्यूज ले लिए, तो अभी देखते हैं कि हमारे श्रद्धा जी कहाँ तक पहुँचे हैं। श्रद्धा जी आप अभी कहाँ तक पहुँचे हो आपकी रसोई की? लापसी होने लगी, देखो अभी प्रिपेयर हो रहा है अभी। तो आप थोड़ी देर आप, में आप अभी यहाँ मेरे को एक दो सवाल के जवाब दो। आपके अपने ये सारी कुकिंग स्किल आपने कहाँ से सीखी है? ये सब मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे। तो आज आपने पूरे दिन क्या किया? सबसे पहले मैं सुबह मैंने जिम गया, थोड़ी कसरत बसरत की और थोड़ी कैलोरीज बर्न की। उसके बाद मेरा दोपहर को यूनि होता है, फटाफट ऐसे नवा टकाटक कपड़ा पहन के यूनि चला गया। शनि था तो बहुत मजा आया मेरे को, वेदर भी अच्छा था और मैंने सब गाने बाने सुना मस्त। और फिर मैंने आज मैं 35 नंबर की ट्राम में गया था, वो VIP कोटा आता है ना जो, उस पर गया था आज मैं। तो वो मेरा वो भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और फिर आज हमारे सर ने ना डेटा विजुअलाइजेशन पढ़ा है, वो कैसा लगा आपको? लैंग्वेज थी बहुत इंटरेस्टिंग। वो सर है ना कीवी है, मतलब न्यूजीलैंड का, मजा आई गई क्लास में। अने उसके बाद है ना फिर हमारा जो ग्रुप है ना, वो लास्ट सेम वाला जो ग्रुप है ना, वही ग्रुप है। तो ये सब में भी हमने हम गुजराती में ना बहुत मजा करते। और एक हमारे क्लास में लड़की है जिसको कुछ पढ़ना होता है ना, और लैपटॉप भूल गई थी और फिर सर को है ना गुजराती में कुछ बोल रहे थे ना, तो सर फिर थोड़ी देर गुस्सा हुआ। तो फिर आपने समझाया सर को, बताया कि भाई? हाँ, फिर हमने ना आज ओरियो बिस्किट खाया और वड़ा पाव भी खाया, और मेरा फ्रेंड है ना वो खिलाया। आप ये क्या खा रहे हो अभी? ये नहीं खाने गए? ये जो ये चीज जो बन रही है अभी, ये सुजल बना रहा है, वो नहीं खाने गए? लेके चला जाऊंगा कल, वो नहीं खाएगी तो ये पूरा खा जाएगा। ટોમેટો ટ્વિસ્ટ એને કમ્પેર કરીએ, વેફર
તમારું કેવું છે? તમારે કેટલી કોઈ દિશામાં? પણ 4 દિવસ થઈ ગયા. એમ સુજલ તારા આજે આ બધા ખવાઈ જાય? 24 સમોસા. તું એકલો ખાઈ જઈ? એકલો ભાભી બદામ હે આપને બગાડી રાત કિસકી બાકી હૈ વો તો ભી મુજે પતા નહીં હૈ કિસકી બાકી હૈ મેને તો અપની ખા લી થી. તો આપ વો કુછ કયો વો બતા રહે થા ના કલ આપને કુછ વો દેખા થા રીલ્સ બીજા થા? હા મે વો રીલ્સ મે દેખા થા કે એસા બતા રહે થે કે રાત કો એસા બોલતે હૈ કે બદામ ખાને સે મગજ તેજ હોતા હૈ પર વો રાત કો બદામ ભીગો નહીં ભૂલ જાતે પર યહાં ઉલટા હો રહા હૈ કે મે ભીગોતી હું યા ખાના ભૂલ જાતે હૈ સબ. તો અભી અભી દેખો મેને તો સુબહ ખાઈ થી ઠીક હૈ. અભી હમ યહાં પે બાકી લોગો સે પૂછેંગે કે ઉસને ખાયે કે યે હે ના યહાં પે યે હર રોજ હો રહા હૈ કે નહીં હો રહા હમકો યે થોડા સિરિયસ લેના. કભી હોતા હૈ કભી કભી ખા જાતે કિસી ઓર કી ભી ખા જાતે. સુજલ ઓ સુજલ યે બોલિયે ના યે યે બદામ બચી હૈ દેખ યે તેરી હૈ ક્યા? મેરી નહીં હમને તો સાથ મે ખાયા થા ના 5 માં. કબ? સુબહ મે. સુબહ મે કબ તુ? છાલ નિકાલ. ઓર યહાં પે ભાભી હમારે આ ગયે હૈ દીવા બત્તી કરને ઓર યહાં પે તો લાપસી કી પ્રિપેરેશન હો રહી થી વો મસ્ત બન ગઈ હૈ લાપસી. દેખ સકતે હો કિતના મસ્ત મંદિર હૈ ઓર ઇસી કે સાથ નારિયળ આ ગયા હૈ તો આજ હમ ઇસકો વધારેંગે આફ્ટર અ લોંગ ટાઈમ. આજ મે હૈ ના આજ મે હૈ ના આજ શેષ ખાઉંગા. કબ સે ભૂખ લગી હૈ? બહોત ભૂખ લગી હૈ. 1 ઘંટા હો ગયા. અચ્છા ખાના હોતા હૈ તો જલ્દી ભૂખ લગતી હૈ પતા નહીં ક્યું હે. ઓર ભૂખ માં ભૂખ માં બે વાર તો સમોસા વાલા કરતા હૈ તો હી ના તો એવું હે. તો સુજલ ડબલ ફ્રાય કર દિયા હૈ આજ સમોસા. તો આ મસ્ત બધું છે ને ભાઈ ખાવાનું પથરાઈ ગયું છે. ગરમા ગરમ રગડો 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ માં બહાર બહુ ઠંડી છે. સમોસા અને તમે જોશો તીખી તીખી ભડાકેદાર ગ્રીન ચટણી. ચાય ખા પેલા ની તીખી જો તે બનાવ્યું ને એટલે આમ તમે જોઈ શકો છો આમ કેટલું કલરફુલ દેખાય છે. બધી વસ્તુ મસાલાથી લબાલબ છે. ચીઝ નથી હોય પણ બધી વસ્તુ લબાલબ. તો ગાઈઝ આમ જો તમે સમોસા જોઈ રહ્યા છો તો આવી જાઓ તમે ફટાફટ આ જમવા અને આ ભગવાન ની લાપસી. આમાં કઈક ભૂલાઈ રહ્યું છે. હું એટલે સુજા હું બાકી છે? હું બાકી છે ચાટ મસાલો. ચાટ મસાલો એટલે એની વગર તો હાલે જ નહીં. એની વગર તો હાલે જ નહીં. ચાટ મસાલો તો બધા મત જોઈ. ગળા ગળા નીચે આમ જાય જ નહીં ને ચાટ મસાલા વગર. એમાં કયો? A1 નો ચાટ મસાલો. A1 નો ચાટ મસાલો સુરત નો ફેમસ. A1 નો ચાટ મસાલો ક્યાં છે? લઈ આવો હાલો આપણે બતાવી ગાઈઝ ને. ચાટ મસાલો લાવો પાછળ પાછળ વેલો. એટલે લે. હા હું તો જો આયા કેવો મસ્ત હૂતો છે. એની ચીઝ ની આરે હૂતો છે. A1 નો ચાટ મસાલો આ બધાના ઘરે તમને જોવા મળશે. આમાં એવું હોય કે જેને ભાવે એને બહુ ભાવે કે આ બધાને બહુ ભાવે? બધાને જ બહુ ભાવે. જેને ભાવે એને ભાવે અને જેને ભાવે એને બહુ જ ભાવે. આ છે ચાટ મસાલો. ગમે તો ઓ વાહ બોલે ના ગાઈઝી ગાઈઝી તો જોતા જ નહીં ને. આતિથ્ય ગઢવી નો ફેવરિટ હે ગાઈઝી. ગાઈઝી તો જોતા જ નથી ને. હા અહીંયા તો અમાર ગાઈઝી જ બધે જોતા હોય. સુજલ તીખી ચટણી કેવી તીખી છે? મન નો લાગે. તને નો લાગે કે તું તો બહુ તીખું ખાશો? તને બહુ તીખું ભાવે. ઓ ગાઈઝી સી ઓ વાવ લાગે તો એવું છે કે તીખું હશે. બહુ યમ્મી દેખાય છે પણ સૌથી પહેલા આ નહીં ખાવું. ઓથી પહેલા છે ને આ ખાવાનું છે. જો મસ્ત લાપસી. આમાં કોકોનટ કોકોનટ છે. આ મેઇન માલ છે. દેશી ઘી અને ગળનો કમાલ છે. પતી ગયો ને અડધું ખાવાનું તો પતી ગયું. લપેટ ને લગી. તો ગાઈઝ અમે લપેટ કે હમ આપકો બાદ મે મિલતે હૈ. તબ તક કે લી આપ ભી થોડા કુછ ખાના બના ખા લો ઓર થોડા પાણી આયે તો આપ ભી લે લો. લે લો. અભી મિલ નહીં સકતા આપકો. ઠીક હૈ તો ફિર અગર ખાના હો તો કૈલાશ મે જાકે આવો. આપ કૈલાશ
क्या बोलते हो आप? सही बात है, दिलीप काका इसे ना महाकाली से, पर महाकाली तो इधर बंद और अहमदाबाद से कोई देख रहा है तो वो महालक्ष्मी में जाके देखे। चलो फिर मिलते हैं अभी खाने के बाद। A few moments later. तो गाइस अभी सब ने खाना खा लिया है, तो अभी जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट था जो सुजल हमको बताने वाला था, तो वो अभी आप सबको पता चली गया होगा, क्योंकि जैसे ही मैंने वो ट्रेडिशनल कपड़े पहने, तो जी आज भी हम जाने वाले हैं गरबा में। तो आज जो आर्टिस्ट आने वाला है वो आपको अगर जानना हो तो आपको हमारे साथ ये व्लॉग कंटिन्यू देखना पड़ेगा। लेकिन अभी इससे पहले हम देखेंगे कि क्या किसका स्टेटस है, कौन कितना रेडी हुआ है नहीं, तो चलो आओ देखते हैं। हाय गाइस, हेलो। तो क्या आपका आप तैयार हो गए कि नहीं हो गए? हो गए तैयार। तो अभी कितना बाकी है? अभी इसको जेमिस को इधर लगाना बाकी है अभी। तो वो आप नहीं लगा सकते हो? लगाएंगे। तो चलो अभी फटाफट उतावट रखो, अभी वहाँ पे फिर वो वाट देख रहे हैं हमारी, हमारी राह देख रहे हैं वो लोग कि कब खेलना, कब खेले आए ऐसे। बस थोड़ी देर में हम रेडी है। ठीक है, मिलते हैं। और भाई वो बादाम तू भूल गया था? बादाम खानी है अभी। तो तू भूल गया था? नहीं भूला मैं। तो हम हमको तेरे को बारे बारे कहना है कि भाई तू बादाम खा के जा। नहीं अभी देखो। ओ या सुल्तान हम जो तमे बाकी राणो राणी रीते हूँ। अच्छा तो आ आज तमारे गरबा में फूल, तमारो जोश केवो छे आज गरबा में जावा माटे? ઉભું રહેવાનું એમ? યસ. તો તમારું આખું આઉટફિટ બતાવજો, તમે થોડાક આમ પાછળ જાઓ, તમને ખબર પડે તમારો આઉટફિટ. તો અભી આપ સબને દેખા કે કેસે સબ લોગ રેડી હો ગયે, તો અભી હમ જાયેંગે ગરબા મે ઓર ધૂમ મચાયેંગે. તો શ્રદ્ધાજી અભી મે આપસે ક્વેશ્ચન કરને વાલા હું. તો ક્વેશ્ચન યે હૈ કે આપ અભી આપકે આપ છોટે સે બડે હુએ, ઠીક હૈ? તો ફિર આપને અભી કહીં પે નવરાત્રી તો ખેલી હોગી, जैसे कि आपने बताया कि आप हॉस्टल में थे, फिर आप घर पे खेलते थे, तो आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ और कब और तब आपकी रफली उम्र क्या थी, वो आप हमको इसमें बता दीजिए। चले सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो मेरा इंडिया में रहा है, और जब मैं 10th और 11th में थी तब गरबा खेलने जाते थे। 10th में तो बहुत नहीं जाते थे क्योंकि बोर्ड था, पर 11th 12th में थोड़ा बहुत जाते थे। तो आप फिर हॉस्टल में गरबा, वो बताया आपको सब शेरी गरबा? हाँ, तो आप हॉस्टल में किया था कि ये शेरी गरबा है? नहीं, शेरी गरबा है हॉस्टल में। तो मैं तब तो कॉलेज में थी तब मैं हॉस्टल में रहती थी। अच्छा, बट उसके पहले मैं घर पे रहती थी तब मैं शेरी गरबा खेलती थी। अच्छा, तो आप वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। और लाइव कॉन्सर्ट मैंने यहाँ आके किया है। अच्छा, आप यहाँ पे गए हो लाइव कॉन्सर्ट में? वो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था ऐश्वर्या मजूमदार का। हाँ, और वो 2000 कब था आपका? 2018 में था। हाँ हाँ, कोरोना से पहले, तो वो आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, वो सबसे अच्छा तो नहीं बोल सकते, बट पहली बार लाइव गरबा, लाइव कॉन्सर्ट में गरबा। तो यहाँ पे आके सबसे अच्छा आपको कौन सा वो अच्छा लगा? सबसे अच्छा मुझे आदित्य गढ़ी का लगा, जो हम लास्ट ईयर गए थे। वो हम लास्ट ईयर गए थे, वो बहुत अच्छा था। तो अभी ये साल हम जाने वाले, जाने का अभी प्लान है। हाँ, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा हमारा। चलिए श्रद्धा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्सपीरियंस, फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। तो अभी हम जाएंगे और धूम मचाएंगे, और उसी के साथ मैं आपका थोड़ा ये आउटफिट दिखा देता हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि नहीं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा मस्त आउटफिट होता है। ये देखो आप, वाह श्रद्धा जी वाह। चलो तो इसी के साथ अभी बाय कर दो, हम बाद में मिलते हैं आपको। बाय, मिलते हैं अब गरबा में। और ये उसका साथी आ गए, देखो कैसे Yeah.
गाइस यहाँ पे हमारी गरबा इवेंट कंक्लूड हुई है और हम सबसे पूछेंगे कि आपका सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा। यहाँ पे जुड़े हमारे चिराग भाई खून। चिराग भाई कैसे हो आप, कैसा रहा आपका यहाँ पे गरबा इवेंट, कैसा रहा आपका? लोग के चीफ गेस्ट ये हमारे मेलबर्न में है ना, सबसे ज्यादा कैफेज इसने अटेंड किए और बहुत भक्कम ये खाना खाते है, सोल पाट देते खाना। हाँ नानी मोटी दुनिया में मोटू नाम शानु शर्मा या जो भाई, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था, थके ढगला हो गए, तो अभी हम जा रहे हैं घर। गाइस इन नेक्स्ट गरबा स्टे ट्यून, तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब।